ने अपनी तरफ से आपका नाम विधायक कैंडिडेट के लिए पार्टी को भेज दिया है। बाकी आगे जो होता है देखते हैं। अरे चचा, आपने कह दिया तो पार्टी आपकी बात टाल सकती है क्या? नहीं ना? हाँ, उम्मीद तो है। महेंद्र बाबू, उम्मीद पे जीना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी पार्टी वालों के भी हमें फोन आ रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। जो भी बातें हैं जल्दी से क्लियर करेंगे। भैया जी के रुतबे के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? निर्दलीय भी लड़ेंगे तब भी जीत का झंडा गाड़े। ऐसा नहीं है, इनकी पकड़ बस अपने इलाके में है, बाकी दूसरे इलाके में और लोग भी हैं। महेंद्र भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उट, उट, उट जैसे। औकात है तो अपना पार्टी का कैंडिडेट उतार के देख। जमानत न जब्त करा दिया तो हमारा नाम भी हेमराज सिंह नहीं। चुप कर हेमो, जा तो गाड़ी में जाके बैठ, उठ चल जा। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा महेंद्र बाबू, एक बात हमको बता दीजिए आप, ये इलाका हमारा है ये बात आप भी तो मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अपनी पार्टी वालों को जाके समझा दीजिए, अगर हम कैंडिडेट ना हुए तो हमारे इलाके में आपकी पार्टी का पोस्टर तो दूर की बात है, एक छोटा सा बैनर तक नहीं लग पाएगा, है ना? जी सुनिए महेंद्र बाबू, उनको जाकर आप ये समझाइए, अगले दो दिन में हमको फैसला चाहिए। अगर हम हमारा फैसला लिए ना तो थूक कर चाटने के में दोबारा आ जाएंगे। जी प्रणाम। एक एक को पकड़ के कूट देंगे अगर एक का भी आवाज आया तो। अब पागल करते हैं सब ये, बार बार घंटी पे घंटी टंटनाए जा रही हो, क्या बात है? अपना स्कूल में ना नई का टीचर आया है और हमको धमकी दे रहा है। धमकी? हाँ, कह रहा है कि रोज स्कूल टाइम पे नहीं आएंगे तो हमरे ऊपर एक्शन ले लेगा। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो का? और नहीं तो किसकी बात कर रहे हैं? कुछ कीजिए, बस कुछ कर दीजिए। हम दूध दूगो स्कूल को कैसे अब अकेले अकेले संभाल लेंगे? तो टेंशन काहे ले रहे हो, हम है ना? लव यू जीजू। लव यू बेटा।